Hello everyone, it's Sunish Shivastam and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay. In this video, we will discuss with you the question number 1 to 3 of exercise 8.6 for class 6. So let's check the video from question number 1. The question number 1 is subtract. Hame subtract karna hai yahan pe rupees 18.25 from rupees 20.75. Subtract karna hai to aapko pata hai isko column method se aap subtract kar sakte hai, to hum bhi yahan pe column method ka use kar rahe hain. So there is the rupees 20.75 and 18.25 rupees, right? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 पॉइंट. अब 0 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो बोरो ले लेंगे, दैट मीन्स 1 हो जाएगा. और ये कितना बन जाएगा 10, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, एंड 1 में से 1 जाएगा, दैट मीन्स 0. So the answer is rupee 2 rupees 50 paisas. Now let's check the next one. There is the second one. हमें क्या करना है, 202.54 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 250 से, है ना. तो 250 सबसे पहले लिख लेते हैं 250. अब देखो इसके पॉइंट के पीछे नहीं है, तो पॉइंट के पीछे हम क्या करते हैं, 2 जीरोज लगा लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 202 माइनस 0.54 मीटर, राइट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो 10 जीरो है, जीरो से तो 4 जाएगा नहीं, तो बोरो ले लेंगे, इट इज़ ऑल्सो जीरो, ये भी जीरो है, तो यहाँ से ले लेंगे, ये 4 हो जाएगा. अब ये कितना हो जाएगा 10, 10 से इसको दे दिया तो ये 9 बच जाएगा. अब ये भी क्या करेगा, इसको दे देगा, ये भी 9 बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा 10 बन जाएगा. सो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7, एंड 4 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा आंसर 47.46 मीटर. नाउ लेट्स चेक द सी पार्ट. देयर इज द रुपीज़ 5.36 फ्रॉम रुपीज़ 8.40, राइट. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 8.40 और किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5.36, राइट. सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 0 से 6 नहीं जा सकता, वही बोल रहे हैं, थ्री एंड ये क्या बन जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4, एंड 3 में से 3 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा रुपीज़ 3.04. नाउ लेट्स चेक द डी पार्ट. देयर इज़ द 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर. सो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा 5.206 किलोमीटर, 2.051 किलोमीटर, राइट. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से देखो 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 5, एंड 0 से 5 नहीं हो सकता, बोरो ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, एंड 1 में से 0 जाएगा, दैट मीन्स 1 आ गया पॉइंट, 5 में से 2 जाएगा, दैट मीन्स कितना आ गया 3. सो दिस इज़ अवर answer in kilometer. Now let's check the E part. There is the 0.314 kilogram from 2.107 kilogram. So firstly we write the 2.107 kilogram subtracted by the 0.314 kilogram. Now subtract karenge ab dono ko kitna ho jayega, 7 mein se 4 jayega, that means 3. 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो बोरो ले लेंगे, 0 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, दैट मीन्स हो गया 9. अब देखो 0 से 3 नहीं जा सकता, तो फिर बोरो लेना होगा, दैट मीन्स 1, और ये कितना बन गया अब 10. सो 10 में से 3 जाएगा, दैट मीन्स यहाँ जाएगा 7 पॉइंट, और 1 में से 0 जाएगा, दैट मीन्स 1. सो आंसर इज 1.793 किलोग्राम. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 2. द फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. सो देयर इज़ द 9.756 माइनस 6.28, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. इज़ द 9.756, कॉलम मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम. सो 6.28. अब देखो यहाँ पे लाइक नहीं है, तो दोनों को लाइक बनाना होगा, तो कितना आ जाएगा 0 लगा देंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 0 जाएगा, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा 6, एंड 5 में से 8 तो जा नहीं सकता है, तो बोरो लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 15. सो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 7, एंड 6 में से 2 जाएगा, दैट मीन्स 4 पॉइंट, एंड 9 में से 6 जाएगा, दैट मीन्स 3. सो आंसर कितना आ गया 3.476. नाउ सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो. बी पार्ट, देर इज़ द 21.05 माइनस 15.27,
राइट. सो 21.05 माइनस 15.27 सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपली. सो वाई में से 7 नहीं जा सकता, बोरो लेना होगा, यहाँ 0 है तो इससे ले लेंगे, 0 हो जाएगा. ये देखो 10 बन गया, बट 10 जो है फिर 5 को देगा बोरो, यानी कि ये 9 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15. सो 15 में से 7 जाएगा, यानी कि कितना बचा है यहाँ पे 8. 9 में से 2 जाएगा, दैट मीन्स कितना हो गया हमारा 7. 0 में से 5 नहीं जा सकता तो फिर बोरो लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 10. सो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5, एंड 1 में से 1 जाएगा, दैट मीन 0. सो द आंसर इज 5.78. नाउ लेट्स चेक द सी पार्ट. देयर इज द 18.5 माइनस 6.79. सो 18.5 एंड 6.79. अब देखो दोनों लाइक बना रहे हैं तो यहाँ हम 0 लगा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स वी गेट अ बोरो 4, एंड दिस इज द 10. एंड 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 4 माइनस 7, 4 7 से नहीं हो सकता तो 7 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 14. अब 14 से 7 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 7 पॉइंट. अब 7 से 6 जाएगा, दैट मीन्स 1, और ये 1 ऑलरेडी है, दैट मीन्स 11.71. नाउ सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑल्सो. देयर इज द 11.6 एंड 9.847. अब देखो इसको लाइक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 के बाद 2 जीरोस पुट करेंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स. देयर इज द 0 से 7 माइनस नहीं किया जा सकता है तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 बनेगा और फिर इसको बोरो दे देगा तो 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा अब 10 हो जाएगा. सो 10 से 7 माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 3. 9 से 4 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 5, एंड 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो फिर से बोरो लेंगे तो 1 ले लिए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ कितना बन गया 15. अब 15 में से 8 जाएगा, दैट मीन्स यहाँ कितना बचा 7, एंड 10 में से 9 गया, यानी कि 1. सो द आंसर इज 1.753. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 3. राजू बॉट अ बुक ऑफ रुपीज 35.65. He gave 50 rupees to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? That means Raju ne ek book khareedi hai. The cost of book is 35.65 and he gave 50 rupees to the shopkeeper. So hume find out karna hai ki 50 rupees shopkeeper ko dene ke baad usko kitne wapas amount milega, ye find out karna hai. So let's check the solution. Cost of book, cost of बुक. तो बुक का कॉस्ट कितना था यहाँ पर, रुपीज 35.65, एंड राजू गिवन मनी टू द शॉपकीपर, यानी कि राजू ने कितनी मनी दी है शॉपकीपर को, रुपीज 50, राइट. यानी कि कॉस्ट जो है बुक का वो कितना है 35.65 रुपीज़, एंड शॉपकीपर को कितने दिया उसने 50 रुपीज़. सो अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा है अब ये चेक करते हैं. अमाउंट लेफ्ट तो कितना अमाउंट बचेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 50 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 50 माइनस रुपीज़ 35.65, राइट. अब देखो कॉलम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे 50.00 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 35.65, राइट. अब देखो माइनस करना है तो मैंने बताया था बोरो लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9, एंड ये भी 9, और ये कितना बन गया 10. सो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5, 9 में से 6 जाएगा, दैट मीन्स कितना हुआ 3.9 में से 5 जाएगा, दैट मीन्स कितना हुआ यहाँ पे 4, एंड 4 में से 3 जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितने रुपीज़ दिए हैं 14.35.